यूपी रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में ओवरटेक के चक्कर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली में बैठे दो मजदूर खाई में जा गिरे, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं कार चालक कार में ही फंसा रह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला, साथ ही उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भी पहुँचाया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कल देर रात हरचंदपुर थाना क्षेत्र के जहाँ पर हम इस समय मौजूद है टांडा में, एक इनोवा ने ट्रैक्टर में ठोकर मार दी। ठोकर के बाद ट्राली में बैठे हुए चार मजदूर जो थे, टक्कर इतनी जोरदार थी कि उछल के ट्राली के बाहर गिरे, रोड के साइड में गिरे खंती में। आप देख सकते हैं कि मौके पर हम इस समय मौजूद स्पॉट पे गाड़ियां तो हटा दी गई, लेकिन मौके पे ब्लड से लेके जो ये घसीटने के निशान है, चप्पलें पड़ी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज को साबित कर रहे हैं कि टक्कर बड़ी जोरदार थी। आपको बता दें कि ये जो इनोवा थी, ये दो इनोवा एक साथ इलाहाबाद प्रयागराज से चल के लखनऊ की ओर जा रही थी, एक ओवरटेक को लेके ये बवाल हुआ। ये जो हादसा हुआ है, ये इसका कारण भी देर रात शराब पीकर गाड़ी चलाना है। आप देख सकते हैं कि देखिए इनोवा गाड़ी का कुछ पार्ट पड़े हुए हैं, जिसमें साफ साफ लोगो दिख रहा है टोयोटा। ये कहीं ना कहीं इस चीज को साबित कर रहे हैं कि टक्कर बड़ी जोरदार थी, और उस टक्कर के बाद पुलिस ने आनंद फानंद में गाड़ियां तो हटा दी, लेकिन उस चीज को क्या कहेंगे कि जो मौके पर जो निशानात बाकी हैं, ये उस हादसे की भयानकता को सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे इस हादसे में फिलहाल दो लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग तीन लोग अभी घायल अवस्था में हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रभाकर त्रिपाठी, ईटीवी भारत, रायबरेली।